नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी टीएट 2018 से संबंधित। आप लोग बहुत कमेंट किए थे कि यदि जो लास्ट सेमेस्टर में है तो क्या वह पात्र है या नहीं, यानी कि वह यूपी टीएट 2018 का एग्जाम दे सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसके विरुद्ध जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्देश जारी हो गया है। आपको निर्देश मैं दिखाता हूँ दोस्तों क्या क्या निर्देश जारी हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं जो मेरे चैनल पहली बार हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों क्या आया है मैं आपको पूरा दिखाता हूं, पूरा बताता हूं कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में प्रतिभाग व अभियोग्यता धारण करने के लिए टेट परीक्षा परिणाम से पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना नितांत आवश्यक था। यानी कि इसके पहले जब वही कैंडिडेट टेट परीक्षा दे सकता था जो बीटीसी या बीएड कंप्लीट कर लिया हो, यानी उसका पूरा सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था। इसी के विरुद्ध दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष याचिका दायर किया गया था जिसके स्वरूप जिसके आदेशानुसार दोस्तों एनसीटीई ने अपना पक्ष काउंटर एफिडेविट के रूप में दाखिल कर दिया है। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट दोस्तों इसमें प्रतिभाग कर सकता है यूपी टेट 2018 में। तो चार प्रकार का इसमें वैध माना गया है कि यदि इन चारों में से कोई एक लागू होता है तो आप यूपी टेट 2018 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है कि जिसने अपना शिक्षण प्रशिक्षण का निर्धारण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लिया हो और अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा में हो, यानी कि उसका पूरा सेमेस्टर समाप्त हो चुका है, केवल लास्ट सेमेस्टर का दोस्तों परीक्षा बाकी है, अभी वह परीक्षा तिथि नहीं आई है, लेकिन वह पूरा शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वो भी कैंडिडेट इस यूपी टेट 2018 में बैठ सकता है। या तो ये होना चाहिए, अथवा दूसरा है अंतिम परीक्षा में प्रतिभाग कर रहा हो, यानी वह अंतिम लास्ट सेमेस्टर का के परीक्षा में बैठ रहा है, यानी उसकी परीक्षा चल रही हो, या तो ये भी यूपी टेट 2018 में बैठ सकते हैं। अथवा तीसरा है दोस्तों, तीसरा है कि अंतिम परीक्षा देकर परिणाम की प्रतीक्षा में हो, यानी कि वह लास्ट सेमेस्टर का परीक्षा दे चुका हो और केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो, वो भी कैंडिडेट यूपी टेट 2018 में इस बार बैठ सकते हैं। और लास्ट है अथवा चौथा जो है अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि वह पूरा परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर लिया हो, चाहे बीटीसी का हो चाहे बीएड का। तो चार प्रकार का दोस्तों मैंने इसमें आपको दिखाया। इन चारों में से यदि आपके ऊपर कोई एक लागू होता है तो आप यूपी टेट 2018 की परीक्षा दे सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि वह कैंडिडेट जो है, सबसे पहला है कि यदि आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है केवल परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो भी आप बैठ सकते हैं, या अंतिम परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं यानी आपका परीक्षा चल रही है फिलहाल में, वो भी बैठ सकते हैं, अथवा अंतिम परीक्षा देकर परिणाम की प्रतीक्षा में हो, अथवा अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो यानी कि आपने पूरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो इस प्रकार से चारों में से यदि आपका कोई एक लागू होता है तो आप यूपी टेट 2018 में बैठ सकते हैं दोस्तों। यही जो है निर्देश आया है, जल्द ही आर्डर जो है अपलोड हो जाएगा। मैं जैसे ही आर्डर अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको उसका जो है पूरा डिटेल में और बता दूंगा। तो संक्षिप्त शब्दों में दोस्तों यह बताना आवश्यक है कि अभ्यर्थी बीएड हो या बीटीसी के संपूर्ण पाठ्यक्रम वह सत्र पूर्ण अथवा पढ़ चुका हो, यानी कि वह पूरा जो है बीएड जो सेमेस्टर है चाहे बीटीसी का सेमेस्टर वह पढ़ चुका हो, केवल परीक्षा का इंतजार कर रहा हो या परीक्षा दे रहा हो या परीक्षा फल का इंतजार कर रहा हो, वो सभी लोग इस परीक्षा में इस बार बैठ सकते हैं जो एक सप्ताह बाद जो है एक सप्ताह के अंदर में जिसका दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें क्योंकि यूपी बीएड से आप लोग से संबंधित तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों पर्यावरण से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, अच्छा खासा कमेंट मिल रहा है, जल्द ही पार्ट टू उसका बनाऊंगा। तो यदि आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।